नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम्स के एक और नए एपिसोड में। सो गॉन आर द डेज जब आप महंगे से महंगा लैपटॉप ले लें, परफॉर्मेंस के मामले में वो स्टिल डेस्कटॉप कंप्यूटर से काफ़ी पीछे रहते थे। आज के टाइम पर जो मॉडर्न लैपटॉप्स हैं वो आपको मॉडर्न गेमिंग करनी हो, ट्रिपल ए गेमिंग टाइटल्स को रन करना हो, या फिर आपको डिमांडिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को रन करना हो, इनमें से किसी भी पर्पज के लिए आज के टाइम पर आने वाले मॉडर्न लैपटॉप्स बहुत ही अच्छे रहते हैं और बहुत ही इजिली टैकल कर लेते हैं किसी भी हैवी एंड डिमांडिंग वर्कलोड को। तो आज बात करेंगे गाइस डेल की तरफ से आने वाले G7590 गेमिंग लैपटॉप की, जो कि आता है लोडेड विद फीचर्स। ये लैपटॉप आता है इंटेल के 8th जनरेशन कोर i7 8750H प्रोसेसर के साथ। हालांकि आजकल जो नए वेरिएंट्स है वो आपको 9th जेन प्रोसेसर्स के साथ भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला मॉडल 8750H के साथ आता है, जिसमें कि आपको दिए जाते हैं यहाँ पर 6 कोर्स और साथ ही में 12 थ्रेड्स। अब इस प्रोसेसर की रॉ परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर रन किया सिनेबेंच R20 बेंचमार्क, और मुझे यहाँ पर जो स्कोर मिला वो मिला 2631 पॉइंट्स का मल्टी कोर स्कोर, जो कि एक लैपटॉप प्रोसेसर के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर है। एंड दिस मींस कि ये प्रोसेसर काफी कैपेबल एंड पावरफुल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एनवीडिया के ट्यूरिंग आर्किटेक्चर पे बेस्ड RTX 2060 ग्राफिक्स कार्ड दिया जाता है, जो कि आता है 6GB GDDR6 VRAM के साथ। अब ये एक बहुत ही कैपेबल ग्राफिक्स कार्ड है, और अगर आपको 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पर किसी भी मॉडर्न ट्रिपल ए गेमिंग टाइटल को रन करना है तो बहुत ही इजीली उसको हैंडल करने के कैपेबल है। अब स्पेसिफिकेशंस को बताते-बताते मैं आपको साथ ही साथ यहाँ पर जो गेम्स है जिन्हें मैंने रन किया इस लैपटॉप पर बेंच मार्क किया वो भी दिखाता रहूंगा, और एवरेज FPS जो कि मुझे मिला गेमिंग के टाइम पर वो भी मैं आपको साथ ही साथ दिखाता रहूंगा। इसके आगे बात कर ले तो यहाँ पर आपको 16GB DDR4 2666 मेमोरी यहाँ पर दी जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर आप फ्यूचर में और रैम भी ऐड कर सकते हैं। एक ही स्लॉट यानी कि सिंगल मॉड्यूल 16GB का आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। स्टोरेज की बात करें इसके बाद तो 256GB की यहाँ पर आपको M.2 NVMe SSD दी जाती है, जो कि एक नॉर्मल M.2 SSD से फास्टर होती है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको 1TB सेकेंडरी स्टोरेज दी जाती है एज अ मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, जहां पर आप अपनी फाइल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। 15.6 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले आपको यहां पर दिया जाता है, जिसकी कलर एक्यूरेसी और कलर रिप्रोडक्शन अमेजिंग है। एंड साथ ही में ये आता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 3 मिलीसेकंड के रेस्पॉन्स टाइम के साथ, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेटर बनाने वाला है। कीबोर्ड की बात करें तो ब्लू LED बैकलिट कीबोर्ड आपको यहां पर दिया जाता है। अब मुझे इस पे जो एरो कीज का प्लेसमेंट है वो थोड़ा अजीब सा लगा, जो एरो कीज का डिजाइन है, प्लेसमेंट जो दी गई है कीबोर्ड पर वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। इसके बाद बात करें लैपटॉप पर अवेलेबल IO पोर्ट्स की, तो यहाँ पर आपको एक बिल्ट-इन कार्ड रीडर दिया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3 USB 3.1 के पोर्ट्स दिए जाते हैं, साथ ही में आपको HDMI आउटपुट पोर्ट दिया जाता है, एक ईथरनेट पोर्ट दिया जाता है, और उसके अलावा USB टाइप सी डिस्प्ले पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और एक हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। बैटरी बैकअप की बात कर लें इस लैपटॉप की, तो नॉर्मल यूजेज सिनेरियो में 6 घंटे तक मुझे ये लास्ट किया, और वही बात करें अगर गेमिंग के टाइम पावर कंजप्शन की तो गेमिंग करते टाइम ये लैपटॉप मैक्सिमम 2 घंटे तक ही चल पाता है। इसके बाद बात कर ले थर्मल्स की, तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर कूलर डिजाइन जो है लैपटॉप के अंदर वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी डेल ने अपना ब्लू कलर का एक्सेंट जो है वो मेंटेन किया है, कॉपर पाइप जो है उनको ब्लू कलर से कोट किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सेपरेट आपको 2 ब्लोअर्स दिए जाते हैं, एक है आपका GPU ब्लोअर और दूसरी साइड आपको दिया जाता है इसका CPU ब्लोअर। और हाँ, जो थर्मल सॉल्यूशन दिया गया है इसका कूलिंग के लिए वो काफी डिसेंट परफॉर्म कर लेता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमिंग। जो मेरे ग्राफिक कार्ड्स के टेम्परेचर हैं वो कभी भी 65 या मैक्सिमम 70 से ऊपर नहीं टच किए, हालांकि अभी इंडिया में इस टाइम पे दिल्ली में काफी गर्मी है, उसके बाद भी मेरे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इतना रहता है। वहीं अगर CPU की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, तो मेरा टेम्परेचर जो है गेमिंग के टाइम पर 80 क्रॉस कर जाता है। अब अपार्ट फ्रॉम गेमिंग, मैंने इस लैपटॉप को अपनी वीडियोस को रेंडर करने के लिए भी यूज किया है काफी टाइम से, तो रेंडरिंग के टाइम पर खासकर जबकि आपका जो प्रोसेसर का यूजेज है वो 100% लोड के ऊपर चला जाता है या काफी नियर बाय रहता है 100% लोड के, तो उस टाइम पर जो प्रोसेसर के टेम्परेचर्स की बात करें तो मेरे टेम्परेचर जो है वो 90-95 तक भी बहुत इजीली पहुंच जाते हैं, और ये काफी नॉर्मल है इनफैक्ट उन क्लाइमेट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जहां पर हम रहते हैं उसके हिसाब से, और साथ ही में इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये एक लैपटॉप है, यहां पर आपको डेस्कटॉप लेवल की जो डेस्कटॉप ग्रेड कूलिंग है वो देखने को नहीं मिलती। तो इन फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखते हुए बात करें तो थर्मल परफॉर्मेंस भी लैपटॉप का मुझे ठीक लगा। प्राइस की बात करें तो ये लैपटॉप स्टार्ट हो जाते हैं 1,07,000 रुपए के प्राइस से। वहीं स्पेसिफिक मॉडल की बात करें जिसको मैंने अभी रिव्यू किया, ये आपको 1,25,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। बात कर ले फाइनल वर्डिक्ट की, तो अगर आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं ऑल इन वन लैपटॉप जो कि देखने में काफी स्लीक लुकिंग है और मोर ओवर काफी प्रोफेशनल काइंड ऑफ आपको लुक देता है, और साथ ही में एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप जो कि RTX 2060 जैसे ग्राफिक्स कार्ड के साथ में आता है और कैपेबल है किसी भी गेम को अच्छे खासे स्मूथ FPS के ऊपर रन करने के,
लिए हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पर, तो आप इस लैपटॉप को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं एज एन ऑप्शन। तो यदि गाइस आज की वीडियो पर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ से शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।